और अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में एक बार फिर से संगठन मजबूत करेंगी मायावती, और कैडर को मजबूत करने के लिए बीएसपी की बड़ी रणनीति है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाम सेफ के जरिए संगठन मजबूत करेंगी बीएसपी मुखिया मायावती। जिलों में बाम सेफ का एक संयोजक और 10 सह संयोजक बनाने की रणनीति है। विधानसभा स्तर पर भी बनाए जाएंगे यहां पर संयोजक, जो कि कैडर को मजबूत करने के लिए बीएसपी की बड़ी रणनीति है। उपचुनाव में बीजेपी सपा और कांग्रेस पर हमलावर होगी बीएसपी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर अभी सब राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं वो अपने अपने स्तर पर यहां पर तैयारी में जुटी है। और ऐसे में बीएसपी की अगर खास करके बात करें तो उपचुनाव में बीजेपी सपा और कांग्रेस पर हमलावर होगी बीएसपी। और ऐसे में कैडर को मजबूत करने की कोशिश, यूपी में फिर संगठन मजबूत करेंगी यहां पर मायावती, ये भी खबर सामने आ रही है। ऐसे में कैडर को मजबूत करने के लिए बीएसपी की बड़ी रणनीति है और बीएसपी अब बड़ी रणनीति के साथ में आगे काम करती नजर आ रही है। बाम सेफ के जरिए यहां पर संगठन मजबूत करेंगी यहां पर बीएसपी मुखिया मायावती, जहां पर जिले में बाम सेफ का एक संयोजक और 10 सह संयोजक बनाने की रणनीति है। विधानसभा स्तर पर भी बनाए जाएंगे संयोजक। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार बीएसपी की तरफ से पूरी तरीके से कैडर को मजबूत करने के लिए बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। पूरे एक्टिव बोर्ड में नजर आ रही है मायावती। और ऐसे में आपको बता दें कि बीएसपी भी अब पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में नजर आएंगी, जहां पर उपचुनाव में अब बीएसपी पूरे तरीके से तैयारी में, बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर रहेगी। और ऐसे में आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से तमाम मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, हर एक पहलू पर बड़ी ही एक्टिव ये पार्टी नजर आ रही है। और बाम सेफ के जरिए संगठन मजबूत करेंगी बीएसपी मुखिया मायावती। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता वर्षा शाही एक बार फिर से हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। वर्षा, क्योंकि अभी बात कर रहे थे यहां पर कांग्रेस की, लेकिन ऐसे में अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी भी पीछे नहीं है। कैडर को पूरे तरीके से मजबूत करने के लिए बीएसपी एक अलग ही रणनीति के साथ में नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से अब कांग्रेस हो या सपा हो या बीएसपी हो, हर पार्टी अपने आप को मजबूती करने के लिए, जमीनी हकीकत को तलाशने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। उसी में अगर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बात की जाए, तो जिस तरह से कल उन्होंने बैठकें की, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि बाम सेफ का एक बार फिर से आयोजन किया जाएगा। देखिए, क्योंकि पहले भी बसपा का एक बड़ा जोर रहा है बाम सेफ को लेकर। देखिए, लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए का नाम ले रहा है, उसका एक तोड़ निकाला गया कि आखिर पीडीए को किस तरह से तोड़ा जाए। उसी तरह मायावती ने बाम सेफ का आयोजन कर दिया है, जिसमें एक पूरा संगठन होगा, एक संयोजक बनाया जाएगा, 10 का संयोजक बनाए जाएंगे, रणनीति बनाई जाएगी इसमें कि किस तरह से विधानसभा में उतारा जाए, किस तरह से लोगों से बातचीत किया जाए। देखिए, बाम सेफ में उसी तरह से अल्पसंख्यक और उसी तरह से पीडीए का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव रखे, उसी तरह से सारे पार्टी के लोग होंगे, उसी तरह अल्पसंख्यक से लेकर हर जाति के लोग होंगे, और इन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो जिले स्तर पर किस तरह से काम कर सके और किस तरह से आने वाले उपचुनाव को या 2027 का चुनाव है उसको लड़ा जा सके। बिल्कुल। और वर्षा, अक्सर देख रहे हैं कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, ऐसे मुद्दों पर मायावती की तरफ से पूरे तरीके से यहां पर एक्टिव भी नजर आ रही, दूसरी तरफ क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद पर एक बार फिर से विश्वास मायावती ने जताया है और एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर देती नजर आ रही है, क्या लगता है, क्योंकि जिन संगठनों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर मायावती हमेशा से जानी जाती है, क्या एक बार फिर से उपचुनाव के बीच में कुछ उसी तरीके की तस्वीर भी देखने को मिलेगी? उपचुनाव को लेकर मायावती एकदम पुख्ते तरीके से तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आकाश आनंद की बात की जाए, तो आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, चाहे वो हरियाणा चुनाव में वो लगातार जिस तरह से निकले हुए हैं, लगातार मार्च कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो मायावती के वो मुद्दे, पुराने मुद्दे जो हमेशा रहे हैं, जो छोटे छोटे लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना रहा हो, या फिर उसके बाद जिस तरह से लगातार मायावती का एक वोट बैंक माना जाता है, उसको दोबारा अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए फिर से मायावती उन्हीं मुद्दों को रखेंगे जो पहले वो मुद्दे रखती थी। लेकिन युवा चेहरा होने की वजह से आकाश आनंद को इसलिए आगे किया गया क्योंकि जो युवा वोट बैंक थे, जो उनके शायद उनकी पार्टी से फिसल चुके थे, उसको अग्रसित करने के लिए आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उसके साथ ही साथ देखिए, आने वाले उपचुनाव है, उसमें मायावती अपनी 10 सीटों पर 10 प्रत्याशी उतारेंगे। उसके साथ साथ 2027 की तैयारी के लिए मायावती ने पुख्ता कर लिया है कि किस तरह से वाम सेव का पुनर्गठन किया गया है, उसके साथ ही साथ कैसे मंडलों पे चर्चाएं होंगी, किस तरह से क्या कार्य किया जाएंगे और किस तरह से
पीडीए को तोड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ये साफ कर दिया कि पीडीए का एक बोर्ड निकालने के लिए उन्होंने पूर्ण वामसेव का गठन किया है, और वामसेव बहुत ही पुराना संगठन मायावती का रहा है जिससे उन्होंने पहले भी काम किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।